पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2018 का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कमिश्नर अमित गुप्ता ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर शुभारंभ किया। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कमिश्नर का स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए के पांडे ने पुष्प गुच्छ देकर किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मैच गोरखपुर और बस्ती के बीच खेला गया, जिसमें गोरखपुर के खिलाड़ियों ने बस्ती की टीम को 35-3 के अंतर से करारी शिकस्त दिया। प्रतियोगिता का एक अन्य मैच फैजाबाद और वाराणसी के बीच खेला गया, जिसमें वाराणसी की महिलाओं ने फैजाबाद को 37-7 के अंतर से मात दिया। प्रतियोगिता में 18 मंडल की टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कबड्डी संघ गोरखपुर के अध्यक्ष अरुणेश शाही, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, प्रशिक्षक महेंद्र गुप्ता, सीमा विश्वकर्मा, विवेक श्रीवास्तव, विशाल कुमार, प्रवीण कुमार सहित प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि कमिश्नर अमित गुप्ता ने प्रतियोगी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा। कुमार, क्योंकि आपको देख के निकला, आप इतने यंग हैं, तो रूबरू कराते हैं हमारे अतिथियों से। यहाँ पे मौजूद हैं अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ गोरखपुर के अवेश शाही, और जब आप ही जोश नहीं दिखाएंगे तो फिर तो कबड्डी प्रतियोगिता महिलाएं एक बजे है। अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ के दिनेश सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। चंद्रगढ़ स्कूल के ब्रांच मैनेजर जी, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी वॉलीबॉल कोच अमिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेशीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2018 के आज के उद्घाटन समारोह में उपस्थित क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, कबड्डी संघ के पदाधिकारी, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ीगण, अन्य आमंत्रित अतिथिगण, इस कबड्डी प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के 18 मंडलों से भाग लेने आए खिलाड़ीगण और साथ में खेल के आयोजन से जुड़े समस्त अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये प्रतियोगिता यहाँ गोरखपुर में आयोजित की जा रही है और दो दिन प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी 18 मंडल की टीम यहाँ भाग लेने आई हैं इस महिला कबड्डी प्रतियोगिता में। मुझे उम्मीद है कि सभी जो खिलाड़ी यहाँ आए हैं अपने पूरे उत्साह के साथ और पूरे ताकत के साथ अपना प्रदर्शन यहाँ करेंगे। आप सभी को पता है कि कबड्डी में भारत हमेशा चैंपियन रहा है, चाहे किसी भी स्तर की प्रतियोगिता हुई हो। यद्यपि इस बार एशिया खेलों में हम लोग महिला पुरुष दोनों वर्ग में सिल्वर मेडल दोनों में मिला, पुरुष में ब्रॉन्ज और ईरान को शायद दोनों में स्वर्ण पदक मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पीछे आए हैं और ये हम लोगों के लिए आत्मचिंतन का जो कबड्डी एसोसिएशन है, कबड्डी खिलाड़ी हैं, समय है, क्योंकि हमारा प्योर माना जाता था ओलंपिक इसमें एशियाड में पदक कबड्डी का, लेकिन इस बार हम लोग उसमें चूक गए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नए खिलाड़ी हैं वो और मेहनत करेंगे और किसी भी दशा में हमारे देश को दूसरे तीसरे नंबर पर ना आकर हमेशा प्रथम लाएंगे। आयोजकों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो बाहर से मेहमान खिलाड़ी आए हैं उनका पूरा देखभाल करेंगे, दो दिन वहाँ रहेंगे, अच्छे से उनके रहने का बंदोबस्त करेंगे। इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी अपना अच्छे से धन्यवाद। जय
शहर में रहते हैं सब लोग शहर में रहते हैं कानपुर में कहाँ पढ़ते हो नहीं कुछ रहने वाले हैं ग्राम क्षेत्र का कोई नहीं है एयरपोर्ट स्टेशन मतलब वहाँ पिताजी वहाँ काम करते हैं क्या? अगर हमारी आवाज नुपुर जी तक जा रही है, नुपुर सरकारी जी तक जा रही है, उसके बाद तीन जगह आ रहेगी नुपुर सरकारी जी बोनस प्लस 2 पॉइंट।
Thank you.